Portamal, que nada pode ir por Damal. Filipor, 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 पूरे ताले डले हुए हैं, बच्चों को पूरा आपको धोखा दे दिया गया और ये पानी में आने के लिए बोले ताकि ऑफिशियल से पहले सब लोग चले जाए। हम 5 बजे तक आए, कोई नहीं है, सब ताला डाला हुआ है। रोड वाइड नहीं आदमी सर, उसने कॉलेज को फिर से रिकॉर्ड रात रात भर के रिकॉर्ड कंप्लीट करे वो रिकॉर्ड का क्या, हमारी मेहनत का क्या, पूरी पूरी मेहनत का पानी फेर दिए, उसका क्या करेंगे हम। खाली हमारे नाम रह गए, जब हम एडमिशन के लिए आए, आईडी कार्ड तो एक कॉलेज की तरफ से होता, वो आईडी कार्ड भी नहीं दिया गया हमें यहाँ पे, जबकि हर कॉलेज में एडमिशन नंबर रहता है, एडमिशन नंबर आज देते कल देते, रोल नंबर जो रहता है हर कॉलेज में, सुबह जब एडमिशन होता जब भी रोल नंबर दिया जाता, लेकिन यहाँ पे वो रोल नंबर भी नहीं दिया गया हमको, फेक की रिसिप्ट, जो लोग फेक की रिसिप्ट दिए, हम लोग उस पर हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक्नॉलेजमेंट भी दिए उसके ऊपर भी कुछ नहीं है, सारे फेक चीज़ें हम लोगों को दिए। अभी तक भी हम लोग वो लोग को पूछे तो वो लोग डिले कर देंगे, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। एग्जाम डे तक भी हम लोग पूछे, वो लोग स्टिल दे फ्रॉड, दैट्स इट। अभी वो लोग फिर भी हम लोग सैटरडे के दिन लड़े पूछे तो वो लोग बोले हम लोग को एक उस पर लेटर लिख कर दिए, वो भी फेक ही है, पोस्ट भी नहीं हो सकता, वो भी क्लियरली हम लोग चीट करें। 5 बजे तक बोले, 4 बजे से पहले हम लोग यहाँ पे भाग गए सब लोग। अभी आप बोलिए हम लोग किससे लड़े, किससे हम लोग जस्टिस मांगे, एक बंदा यहाँ पे नहीं है और वो लोग बुला रहे हम लोग को यहाँ से हटने के लिए, ओयू को बुला रहे, फिर झूठ बोल रहे, फिर हम लोग को फ्रॉड कर रहे। ओयू को हम लोग क्यों जाए भाई, हम लोग की थोड़ी जिम्मेदारी है, हम लोग यहाँ पे पैसे पे करें, हम लोग यहाँ पे आएंगे, ओयू के क्यों जाएंगे, यहाँ से वही से निकालने कर वो लोग ओयू का फिर प्लान कर रहे, फिर हम लोग को फ्रॉड कर रहे। मैं अभी वो लोगों को पूछता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए और हम लोग को जस्टिस दे। यहाँ पे सिर्फ एक चेयरमैन साहब है, उनके बेटे, जो भी स्टाफ मेंबर्स है, वी वॉन्ट देम राइट नाउ, बस वो लोग आकर हम लोग को जस्टिस देना है, बस क्लियर राइट। जब तक वो लोग नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, ये क्लियर है। जबकि हमारा फिलोसफी का पहला पेपर भी है, सेमेस्टर 1 का हो चुका, आज से बोले, लेकिन आज फिर बोले 5 बजे, बोले 5 से 6 बजे, 5 बजे जब हम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कोई नहीं है, फैकल्टी भाग गए, सब भाग गए, हमारे को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब हम लोग जाके एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, उन्होंने वो साहिबा हमको बताई कि ये सारा फेक है, हम बीएड काउंसलिंग एजुकेशन में भी गए, हायर एजुकेशन में भी हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी यही बताया गया कि ये लोग फेक है, तो इनके ऊपर कुछ एक्शन, ये लोग के ऊपर एक्शन लीजिए, हमारी जिंदगी खराब है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोले, मंडे आके लियो बोले, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर आपको क्या मतलब क्या पसंद की तरफ से कुछ कॉलेज के बारे में उन्होंने कुछ कंप्लेंट कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ एक्शन लेते बोले, एक्शन उन लोग किए सही, हम जब पीएस ने FIR करे हैं, वो FIR की कॉपी भी हमारे मौजूद है, तो वो FIR से हम लोग ही कुछ कर सकते हैं, पुलिस वाले हमारी हेल्प करना रहता है। उसमें से पूरे टोटल बच्चे 67 है, उसमें से 62 वुमेन्स पढ़ती है, जिसमें से बहुत सारी मैरिड वुमेन्स है, अपने बच्चे अपने हस्बैंड पूरा देख के करके आना है। यहाँ पे वुमेन्स को हस्बैंड बहुत मुश्किल से परमिशन दिए थे पढ़ने की,
वो लोग बहुत मुश्किल से हजबैंड से परमिशन लेके आए थे पढ़ने। एक बाप अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए क्या क्या करके पैसे लेके आता, ये लोग इसको नहीं समझ रहे। मुसलमान है, इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली है, पूरे पूरे का पूरा हमारे साथ फ्रॉड करे। हम आपको इंसान चाहिए। हम लोग सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये साल बर्बाद ना होने दे, क्योंकि अगले साल से 4 साल का बीएड होने वाला है। 4 साल का बीएड हम करेंगे तो एमएड कब करेंगे, फिर उसके बाद हम शादी कब करेंगे, हमारी जिंदगी कब हम संवारेंगे, क्या यही इनके पास हम अपने चपड़ा करते रहेंगे, क्या यही पे हम रहेंगे, यही तरीका है आपको हमारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मालूम है हम लोग को बात मालूम हो गया कि मना रहे हैं आप लोग। आप लोग मैसेजेस क्यों कर रहे हो?